काले, बट अब फाइट की बारी आ चुकी है। टीम सोल मुश्किलों में है क्योंकि एनिग्मा उनके करीब देखने को मिलेंगे। 4v4 की फाइट है और एक स्टेटमेंट मुझे याद है रावण एनिग्मा की तरफ से कि हमें 4v4 की फाइट के अंदर कोई हरा नहीं सकता, तो आज वो बारी आ चुकी है टीम सोल वर्सेस एनिग्मा 4v4। बट ग्रेनेड पे नाउ टच के थ्रू कर रहे गलत डायरेक्शन पे, वो ग्रेनेड से यहां पे जा रहे अभी गाड़ी के पीछे थोड़ी देर तक रोक के रखे अपने आप को अक्षर की तरफ से। ये ग्रेनेड काफी बेहतर लग रहा है अभी को वहां पे डैमेज देने की कोशिश, बट हेक्टर इटली की तरफ से डाउन कर दिए जाएंगे 4v4 की फाइट में। थर्ड पार्टी एंट्री यहां पे आती हुई, हेक्टर डाउन है। क्या एनिग्मा को इस बात का इंफॉर्मेशन है? अगर इंफॉर्मेशन है तो मुश्किलें खड़ी की जा सकती है। ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा रिपब्लिक की कोशिश, बट हेक्टर बाहर कर दिए जाएंगे, अक्षत नॉक हो जाएंगे, कॉबलिन नॉक हो जाएंगे। ओमेगा कप्तान साहब आईजीएल एक लौते खिलाड़ी टीम सोल की तरफ से, और इनके लिए यहां से सर्कल जाना एक चैलेंज रहेगा, जो कि हम अपने नंबर्स को गवा चुके हैं, तो चिकन डिनर निकालना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। गॉब्लिन देखने को मिल रहा है अभी के लिए रिवेंज के खिलाड़ियों की तरफ से, थर्ड पार्टी हमें जरूर देखने को मिली, बट यहां से अब सोल ओमेगा एक आखिरी उम्मीद बनकर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली चीज रहेगी कि यहां से हमारे जो कप्तान साहब हैं, हमारे आईजीएल हैं, वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, क्योंकि डैमेज फेस जरूर करना पड़ा है। ब्लू जोन का डैमेज भी उनको काफी ज्यादा हो रहा है। क्या फर्स्ट एड पॉप इन कर पाएंगे? जी